सीएल का सेवेंथ एपिसोड द रिट्रीट रिलीज हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपसे पिछले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में ही कहा था कि सेवेंथ एपिसोड से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा अफसोस नहीं हुआ। इस एपिसोड में एमिल ब्लॉन्स्की वापस नजर आया, रेंजिंग क्रू का लीडर रेकर भी नजर आया, और जेन के नए दोस्त जोश का भी मोटिव क्लियर हो गया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय, और आज मैं सीएल के सेवेंथ एपिसोड द रिट्रीट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। पिछले तीन एपिसोड देखने के बाद बस एक ही सवाल मन में आ रहा है कि आखिर क्या जरूरत थी 9 एपिसोड की सीरीज बनाने की, 6 एपिसोड की सीरीज बना लेते, कम से कम जबरदस्ती की स्टोरी खींचने की जरूरत तो नहीं पड़ती। एक तरफ तो मार्वल मूवी से इंपॉर्टेंट सीन्स को कट कर देता है, वहीं दूसरी तरफ इस सीरीज में 3 एपिसोड्स ऐसे डाल दिए जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अब हम इस बात से बिल्कुल नाराज नहीं है कि इतना वेट करने के बाद भी हमें डेयरडेविल देखने को नहीं मिला। सच कहूं तो नाराज हैं, पर उससे ज्यादा नाराज इसलिए हैं क्योंकि इस सीरीज को मेकर्स ने सुपर हीरो सीरीज की तरह ट्रीट नहीं किया। लगातार ड्रामा पे ड्रामा चल रहा है, कहीं बीच में शादी आ जाती है, कहीं आध्यात्मिक सेशन चलने लगता है। एक एपिसोड तो फिर भी समझ में आता है, पर इन लोगों ने 3 एपिसोड ऐसे ही खींच डाला। खैर बात करते हैं इस एपिसोड की। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जेन के फ्लैट से, जहां हमें पता चलता है कि जेन जोश को डेट कर रही है, पर मन चले आशिकों की तरह जब जोश का काम हो जाता है तो वो गायब हो जाता है। जेन उसके रिप्लाई का कई दिनों तक वेट कर रही होती है, पर उसका रिप्लाई नहीं आता, और आएगा भी क्यों, उसे जो चाहिए था वो मिल गया। ऐसे ही लड़कों की वजह से पूरी दुनिया के सारे लड़के बदनाम है। खैर एक दिन एमिल ब्लॉन्स्की के पैरोल ऑफिसर चक का फोन आता है कि एमिल ब्लॉन्स्की की इनिबेटेड डिवाइस काम नहीं कर रही, जिससे हमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और चक को डर लगता है कि शायद एमिल वापस एबोमिनेशन बन गया। पर जब चक और जेन एमिल के फॉर्म हाउस पहुंचते हैं तब पता चलता है कि हमारा एक्साइटमेंट और चक का डर दोनों बेबुनियाद थे। एमिल एबोमिनेशन नहीं बना, बल्कि उसको शॉक लगने की वजह से वो डिवाइस खराब हो गई थी। अब चक उस डिवाइस को ठीक कर देता है और एबोमिनेशन की डर से जल्दी जल्दी से वहां से निकल जाता है। पर जब जेन वहां से जाने वाली होती है तब मैनबुल और एलेगिला लड़ते हुए उसकी कार डैमेज कर देते हैं। ये दोनों कैरेक्टर एमसीयू में पहली बार नजर आए हैं, जिनमें से मैन बुल कॉमिक्स में विलेन है। विलियम बिल टर्नर्स को एक एक्सपेरिमेंट में एक सीरम इंजेक्ट किया जाता है जो कि बुल से लिया गया था, जिसकी वजह से वो हाफ ह्यूमन और हाफ बुल बन जाता है, जिसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड जैसी पावर्स हैं। वहीं दूसरा कैरेक्टर एलेगिला एक म्यूटेंट है जो कि काफी सिमिलर है जोरो से। एलेगिला एक स्पेनिश नाम है जिसका मतलब होता है ईगल। एलेगिला म्यूटेंट होने के साथ साथ स्किल्ड फेंसर है, एक्सीलेंट एक्रोबैट है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, और ये इलेक्ट्रिक भी जनरेट कर सकता है, जैसा कि हमें इस एपिसोड में भी दिखा। इसके बाद जेन हमें एक झोपड़ी में जाती हुई नजर आती है, जहां दो और नए कैरेक्टर दिखाए गए, जिसमें से पहला था पाकोपाइन, ये भी कॉमिक्स में विलन था। एलेक्जेंडर जेंट्री एक साइंटिस्ट था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के वेपन डिजाइनर के तौर पे काम कर रहा था। इसने आर्मी को एक बैटल सूट के आइडिया के लिए कन्विंस कर लिया जो कि पाकोपाइन जैसा था, और यहां ये उसी सूट में बैठा था। दूसरा कैरेक्टर है सरासेन, जो कि अपने आप को वैम्पायर कहता है। अब एमसीयू का तो पता नहीं, पर कॉमिक्स में सरासेन ह्यूमन ही है। यहां दिखाए जाने वाले कैरेक्टर में मैनबुल डेयरडेविल का विलन है, पाकोपाइन एंटमैन का और सरासेन पनिशर का। इसके बाद रेकर भी वहां आ जाता है, जिसको देखते ही जेन सीएल बनके उसे पटक देती है। भले ही सीएल का ये एपिसोड कुछ खास ना रहा हो, पर यहाँ दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स खास जरूर थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनको बस एमिल की मोटिवेशनल थेरेपी के लिए दिखाया गया है, या मार्वल इनका यूज भी करेगा। पहले ही सीरीज में इमॉर्टल मैन जैसे कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया गया है। साथ ही रेकर का कनेक्शन भी किसी से था, क्योंकि उसने जब सीएल पे अटैक किया था तब उसने बॉस की बात की थी अपने मेंबर्स से, जिसके बारे में उसने यहाँ कोई बात नहीं की, और ये भी नहीं बताया कि उसने लूटने के इरादे से सीएल पे अटैक नहीं किया था, बल्कि उसका ब्लड लेने की कोशिश कर रहा था। मतलब एमिल की स्पिरिचुअल थेरेपी के बाद भी वो अभी भी एक विलन है। इन सब के बाद हमें 3 दिन पहले के फ्लैशबैक में ले जाकर के जोश का असली चेहरा भी दिखाया गया, जहां जोश का मकसद जेन को डेट करना नहीं था, बल्कि वो जेन के फोन का डेटा कॉपी करना चाहता था। इन सब चीजों से सीधा लग रहा है कि जोश उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो सीरम बनाते हुए नजर आए थे, क्योंकि उन दोनों पर उनकी पहले से ही नजर थी। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग इतनी आसानी से उन दोनों को ट्रेस कर रहे थे, उन्हें जेन के फोन से क्या चाहिए। दोस्तों ये था सीएल के 7th एपिसोड द रिट्रीट का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट में जरूर मेंशन करें, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।